हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. इन जेनेटिक्स आवर नेक्स्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन, बट इस टाइम उसको सिलेबस से हटा दिया गया है. और फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट है, तो इसमें से भी हमारा एक चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, स्ट्रेटजीज वाला. और लेकिन हमारा फर्स्ट चैप्टर तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है. लेट्स स्टार्ट दिस. देखो भाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? ये ऐसा नहीं है कि भाई हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो उसको हम हेल्थ बोल देंगे. देखो, हेल्थ क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हमें फिजिकल तरीके से भी फिट होना है, मेंटल तरीके से भी फिट होना है, और सोशली भी. ठीक है, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज, केवल डिजीज ना होना ही हेल्थ नहीं है, हमें फिजिकल, मेंटल और सोशल तरीके से भी कंप्लीट वेलबींग होना है, उसी को बोलते हैं हेल्थ. फैक्टर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ आर कौन से होते हैं? बैलेंस डाइट, ठीक है, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है. ये तीनों चीजें अगर होंगी तो हेल्थ भी हमारी अच्छी होगी. नेक्स्ट है डिजीज. चैप्टर का नाम ही था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हेल्थ हमने देखा क्या है. अब डिजीज देखो, डिजीज क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी और ए पार्ट ऑफ इट इन विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब. डिजीज वो होती है जिस कंडीशन में हमारी पूरी बॉडी या किसी हमारी बॉडी का एक पार्ट, उसके फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिजीज. डिजीज समझ आया क्या होता है? या तो पूरी बॉडी ही अपना फंक्शन डिस्टर्ब कर देगी, या फिर बॉडी का कोई पार्ट है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो बोलते हैं डिजीज हो गई है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज देखो, एक होती है कंजेनाइटल डिजीज, दूसरी होती है एक्वायर्ड और अडेप्टिव डिजीज. कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब कि ये बर्थ से ही है, इट इज बाय बर्थ डिसऑर्डर. एज सिंगल जीन डिसऑर्डर, जैसे सिंगल जीन डिसऑर्डर होते हैं वो बाय बर्थ आते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में. सिस्टिक फाइब्रोसिस, PKU, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनेप्टर सिंड्रोम. फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हेयर लिप डिसऑर्डर जिसमें आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर्ड और अडेप्टिव नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. एक्वायर्ड नाम से ही पता चल रहा है, जो हमने एक्वायर की हैं, एनवायरमेंट से एक्वायर की हैं. दिस डिजीज आर नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन, हमने एनवायरमेंट से इसको एक्वायर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिजीज स्प्रेड हो जाए हमारे से दूसरे पर्सन के अंदर. ये डिजीज होती हैं जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ, जैसे प्रोटीन, खासकर अगर प्रोटीन की कमी होगी उसकी वजह से कवासी वर्कर और मरासमस. कवासी वर्कर और मरासमस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कवासी वर्कर प्रोटीन डिसऑर्डर है, मरासमस प्रोटीन प्लस एनर्जी डिसऑर्डर है. इसमें चाइल्ड में होती है तो थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है चाइल्ड एज में. नेक्स्ट है कैंसर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, मैकेनिकल डिसऑर्डर हो गए जैसे बोन डिसलोकेशन, फ्रैक्चर एक्सेट्रा. थर्ड है हमारी कॉम्युनिकेबल डिजीज, ये स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे, कॉम्युनिकेबल नाम से ही पता चल रहा है. दीज आर कॉज बाय पैथोजन, चाहे वो वायरल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, ये कॉम्युनिकेबल डिजीज होती है. ओके, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिजीज बाय पैथोजन. देखो, ये दो तरह से हो सकता है, एक टॉक्सिक फॉर्मेशन होता है, दूसरा टिश्यू डैमेज होता है. टॉक्सिन फॉर्मेशन, कुछ पैथोजन जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल टॉक्सिन इन होस्ट बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में. टॉक्सिन में भी एंडो और एक्जो दोनों ही हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिन और एक्जोटॉक्सिन. जो एंडोटॉक्सिन है, सच टॉक्सिन रिमेन इनसाइड ए पैथोजन, पैथोजन के हमेशा इनसाइड होंगे. गेट रिलीज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पैथोजन, जब डेथ हो जाएगी उस पैथोजन की तो वो रिलीज हो जाते हैं, जैसे विब्रो कॉलरी है ना. एक्जोटॉक्सिन की बात करें तो सच टॉक्सिन्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट, बॉडी एनवायरमेंट में या बॉडी से आउटसाइड रिलीज हो जाते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम डिफ्थेरी. ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा कोज, दूसरा कोज होता है टिश्यू डैमेज. टिश्यू डैमेज में देखो, द वायरस ऑफ द रेबीज जो डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेन टिश्यू को, बैक्टीरिया ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये भी डैमेज कर देता है सेल्स ऑफ लंग्स को, तो ये टिश्यूज को डैमेज कर रहा है ये वायरस, है ना. इसी तरह से ये बैक्टीरिया डैमेज कर रहा है, तो दूसरा हो गया टिश्यू डैमेज. तो ये कॉजेज होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज इन्फेक्शन. व्हेन ए पैथोजन एंटर इट टू होस्ट एंड कैन सर्वाइव इनसाइड द होस्ट, सर्वाइव भी कर रहा है, उस स्टेज को हम बोल देते हैं इन्फेक्शन. और डिजीज क्या होती है?
आफ्टर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हो जाता है, व्हेन ए स्पेसिफिक पैथोजन स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन द होस्ट, अब उसने होस्ट की बॉडी में रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, कैन ऑल्सो कंट्रोल होस्ट टू एन एक्सटेंट, और वो होस्ट को एक तरह से कंट्रोल भी कर रहा है, दिस स्टेज इज कॉल्ड डिजीज, वो डिजीज है जो कि इन्फेक्शन के बाद होती है। समझ आया आज आपको इन्फेक्शन क्या होता है, डिजीज क्या होती है, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज कोज करता है, डिजीज कोजिंग एजेंट वो होता है पैथोजन, एन ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन सर्वाइव इनसाइड होस्ट, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। ये तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, पैथोजन आपको पता चल गया जो डिजीज कोज करता है। अब हमारे पास डिजीज की टाइप्स हैं, जैसे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज। तो फर्स्ट हम वायरल डिजीज देखते हैं। वायरल डिजीज में देखो फर्स्ट है हमारे पास पोलियो और पोलियोमेलाइटिस, जिसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोल देते हैं। छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा पैरालिसिस हो जाता है ना, पोलियो की दवाई पिलाते हैं, ये वही वाला है। इट इज कॉज्ड बाय एंटेरोवायरस और पोलियो वायरस। वायरस कॉजेज डिटोरियोरेशन और पैरालिसिस ऑफ सीएनएस, लीड्स टू डिजीज ऑफ स्केलेटल मसल्स, सो पेशेंट बिकम पैरालाइज्ड, हेडेक, फीवर, चिलिंग, ये सिम्टम्स नजर आते हैं। फर्स्ट पोलियो वैक्सीन जो थी वो डेवलप की गई थी बाय जॉन्स सर्क के द्वारा। सो पोलियो वैक्सीन इज कॉल्ड एज साल्क वैक्सीन। सो जॉन साल्क को बोल देते हैं फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है हमारी रेबीज, जो सबने सुनी रखी है, हाइड्रोफोबिया भी बोल देते हैं इसको, फियर ऑफ लिक्विड, फियर ऑफ H2O, ठीक है, हाइड्रो वाटर ही तो होता है। इट इज कॉज बाय वायरल पैथोजन रेबीज वायरस, ये ट्रांसमिट की जाती है बाय वेक्टर, जैसे रेबिट, डॉग, कैट। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 डेज होता है और ये डिजीज 100% फॉटल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, इट इज वायरल इन्फेक्शन ऑफ लीवर, लीवर में होती है डिजीज, लीड्स टू जॉन्डिस, जैसे जॉन्डिस भी हो सकता है। इनिशियली लीवर बिकम्स एनलार्ज, फाइनली ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, डार्क और येलोइश यूरिन हो जाएगा, फीवर, वीकनेस आ जाएगी, हेडेक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये 6 तरह का होता है भाई, ABCDEG, ठीक है। हेपेटाइटिस ए थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा कोज किया जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, सिर्फ हेपेटाइटिस बी को छोड़ के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑरल फिकल रोड, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा, इसमें डीएनए होता है, ट्रांसमिटेड पेरेंटल रूट अदर देन डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एसटीडीज, कंटामिनेटेड नीडल्स वगैरह। हेपेटाइटिस सी एंड डी ऑल्सो थ्रू पेरेंटल रूट, थ्रू ब्लड, सी टाइप वो एसटीडीज डिजीज के थ्रू भी, ठीक है। हेपेटाइटिस ई एंड जी की बात करें तो ऑरल फिकल रूट। हेपेटाइटिस को डायग्नोस किया जाता है बाय एन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एलाइजा टेस्ट, इनके द्वारा इसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है हमारी कॉमन कॉल्ड, जिसे रिनिट्रो भी बोल देते हैं। इट इज कॉज्ड बाय रिनो वायरस, इट कॉजेज इन्फेक्शन टू नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 3 to 7 डेज होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, हेडेक, सोर थ्रॉट, कफ, रनिंग आईज एंड नोज, कंजेशन ऑफ नोज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड पर्सन से, कॉन्टेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, हमने उसको छू लिया है, कंप्यूटर, पेन, मोबाइल एक्सेट्रा। फिर इन्फ्लुएंजा, जिसको वायरल फ्लू भी बोलते हैं, कोज बाय मिक्जो वायरस, इट लीड्स टू कॉमन सिम्टम्स लाइक कॉमन कोल्ड। ये कुछ हमारी डिजीज थी, ठीक है। और भी हमारी इसमें डिजीज बची हुई है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।